गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में अनुनाद के बारे में पढ़ाएंगे। अनुनाद है क्या बच्चों? देखो, वह परिघटना जिसके परिणाम स्वरूप एक अणु के विभिन्न रूपों या संरचनाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है और इनमें से कोई भी संरचना अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता, अनुनाद कहलाता है। देखो बच्चों, वह परिघटना जिसके परिणाम स्वरूप एक अणु के विभिन्न रूपों या संरचनाओं को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए, बेंजीन है, इसका एक रूप तो इस तरह है। यहाँ पर जो आपके द्विबंध हैं वो आपके इधर दिखा रखे हैं और यहाँ पर जो द्विबंध है वो आपके इसके विपरीत दिखा रखे हैं। तो वह परिघटना जिसके परिणाम से कणों के विभिन्न रूप संरचनाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि अभिव्यक्त किया है, और इनमें से कोई भी एक संरचना अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता, अर्थात ये जो अणु हैं इनके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार, और इनमें कोई भी एक संरचना अणु के सभी गुणधर्मों की व्याख्या नहीं कर सकता, अनुनाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? अनुनाद कहलाता है। अणु की वास्तविक संरचना अनुनादी संकर कहलाती है। ये जो आपकी संरचना है, अगर हम इस अणु की संरचना को उसके ऊपर अध्यारोपित कर दें तो आपकी जो संरचना है वो डैश डैश के रूप में दिखाई देगी, और ये जो संरचना होगी यही क्या कहलाती है आपकी? अनुनाद संकर कहलाती है। जैसे कि अगर हम कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट में दिखा रखा है कि जब यहाँ पर ओ के क्या है, यहाँ पे ओ का माइनस चार्ज दिखा रखा है, यहाँ पे ओ का माइनस चार्ज, ये चार्ज हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ दिखा सकते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो हम इसकी जो अनुनादी संरचना को दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे? हम डैश डैश करके दिखा देंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं SO3 की। SO3 में भी क्या है, हम आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं ये क्या कहलाती है? सब अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। थैंक यू।